दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने चारधाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए सीएम धामी के योगदान को जनता हमेशा याद रखेगी। उन्होंने धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मंदिर बनाने के लिए कहीं भी रोक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के चारधाम और मंदिर के नाम पर कैबिनेट का निर्णय सराहनीय है। बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों को लेकर मंदिर या धाम बनाएगा तो सरकार बड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि देव भूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है वो सदैव यहाँ की जनता याद करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। मंदिर बनने पर कहीं रोक टोक नहीं, श्रद्धा के हिसाब से व्यक्ति अपना मंदिर अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के चार धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। और जो उनकी एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया उस पर एक सीधा एक प्रकार से पटाक्ष विषय का बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है। और कांग्रेस का जो केदारनाथ की विधानसभा के बाई इलेक्शन को देखते हुए जो एक प्रकार से भ्रांति फैलाने का जो जनता के बीच जो काम किया जा रहा था, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का जो काम किया जा रहा था, उस पर इस निर्णय के बाद बहुत बड़ा ब्रेक लगा है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आज जनपदों के अंदर आज और कल के बीच में माननीय मुख्यमंत्री आभार व्यक्त